subscribe to our channel Sunshine Study, hit the bell icon for latest video update. Hello everyone, welcome back to my channel Sunshine Study. SBI Pharmacist Clerical Cadre ने अपनी notification out कर दी है, ठीक है? क्या इसका eligibility criteria रहेगा, pattern क्या रहता है, selection process क्या रहेगा, ठीक है? और experience अगर मांगा है तो कितना इन्होंने मांगा है, और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, वैकेंसीज कितनी रहती हैं, इसमें सारी जितने भी डिटेल्स हैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट एक और चीज बता दूं, यहाँ पे एसबीआई एसओ की नोटिफिकेशन भी आउट हो चुकी है, तो उसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप जाके वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी रिक्रूटमेंट अपडेट आती है मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करती हूँ। प्लस रीजनिंग एंड क्वांट की भी क्लासेस मेरे चैनल पर चल रही हैं, स्पेशली टारगेट किया है मैंने एसबीआई क्लर्क और आपका एलआईसी डबल ए, ठीक है? तो दोनों को यहाँ पे टारगेट कर रखा है, रीजनिंग एंड क्वांट के जितने भी टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों को लेके हो रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो क्लासेस को लेके। यहाँ पे क्या है, फार्मासिस्ट इन क्लरिकल कैडर, तो यहाँ पे ये फुल एडवर्टाइजमेंट है जो यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए 13 अप्रैल से 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट क्या है, यहाँ पे रेगुलर है, फार्मासिस्ट की है, क्लरिकल कैडर जनरल की 34 वैकेंसी है, ओबीसी की 15 है, एस टी की यहाँ पे 9 है, एस टी की यहाँ पे 4 है, ठीक है? यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दे रखी हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू आपका यहाँ पे और सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ठीक है? मैक्सिमम एज 30 इयर्स है अप्लाई करने की। आगे बात कर लेते हैं वैकेंसीज को लेके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल वैकेंसीज गुजरात में 2 है, अहमदाबाद में, अमरावती आंध्र प्रदेश में 4 है, बैंगलोर में 7 है, ठीक है? तो आप इन सबको रीड कर लेना, मैं डिटेल में आपका जो पीडीएफ है इसका डाल दूंगी, और कहाँ से अप्लाई करना है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है? अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा, ठीक है? डेट दे रखी है 1/1/2021 तक यहाँ पे काउंट किया जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। पास इन एसएससी 12th लेवल और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मिनिमम डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। नेक्स्ट मांगा है डिग्री हो सकती है आपकी फार्मेसी में, बी फार्मा, एम फार्मा, फार्मा डी, ठीक है? ओके, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे क्या है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फार्मेसिस्ट और कंपाउंडर को लेके, ठीक है? और क्या मांगा है, एबिलिटी टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली फॉर एक्सीडेंट्स इज एसेंशियल, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो रिक्वायरमेंट है उनकी। और नेक्स्ट आपका क्या है, स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, ओके, द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मासिस्ट एक्ट विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल फॉर सिमिलर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी कंस्टिट्यूट फॉर द पर्पस, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेशल स्किल ये रिक्वायर्ड है। जॉब प्रोफाइल इन्होंने ये दे रखी है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इन्होंने स्केल ऑफ पे भी दिया है, ओके। अगेन इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा देख लेते हैं। यहाँ पे पैटर्न है आपका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जो कि आपका टेस्ट होगा, ठीक है? नेम ऑफ द टेस्ट आपका क्या क्या आएंगे, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, प्रोफेशनल नॉलेज। प्रोफेशनल नॉलेज में आपका क्या होगा, फार्मेसी को लेके होंगे जो आपके फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? जो बेसिक नॉलेज होती है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 50 नंबर का प्रोफेशनल नॉलेज होगा, 25 मार्क्स के आपके बाकी 4 सेक्शंस होंगे, ठीक है? 150 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, ठीक है? आगे चलते हैं यहाँ पे, ओके। वेटेज फॉर रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू इज प्रपोज एज 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली, ओके। तो 40% एंड 60% का यहाँ पे वेटेज रखा है उन्होंने, ठीक है? तो क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक, ओके। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, द पासिंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू एज वेल एज द एग्रीगेट पासिंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक, ठीक है? तो ये सारी यहाँ पे चीजें हैं, रीड कर सकते हो, ओके। कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, ठीक है? ये आपकी नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर,
ओके, तो ये आपकी हार्ड कॉपी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जो नॉर्मल आपका कॉल लेटर होता है, एडमिट कार्ड, वो आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद में, ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस रहता है बैंक का। ओके, अब कैसे अप्लाई करना है ये आपका लिंक मैं दे दूंगी, यहाँ से जाके आप अपना रजिस्टर करिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, ठीक है, ऐसे अप्लाई करना है। हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का उन्होंने देखिए पूरा यहाँ पे दे रखी है, क्या क्या अपलोड करना है, किस साइज में अपलोड करना है, तो आप जाके इनको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ओके, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, फीस यहाँ पे 750 है, अगेन SC ST के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं, ठीक है। लास्ट डेट आपकी 3 मई रहेगी इसको अप्लाई करने की यहाँ पे, ओके। ओके, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जुड़ सकें और अपने मैक्सिमम लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। थैंक यू।